उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, सियासी दल अपने अपने कार्ड खेलने में जुट गए हैं। पहले जातीय समीकरण साधने के लिए सियासी दल अपने अपने अंदाज में काम कर रही है, लेकिन इधर बीएसपी के पूर्व मंत्री अकीलुर रहमान को पार्टी ने निष्कासित कर दिया। दरअसल मुरादाबाद मंडल में वीर सिंह के बाद अगला निशाना बसपा के कदाबार नेता पूर्व मंत्री अकीलुर रहमान खा रहे। संगठन विरोधी गतिविधि में शामिल होने पर पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। पूर्व मंत्री ने कहा कि मैंने विपरीत परिस्थिति में सपा के गढ़ वाले जिले में पार्टी का झंडा बुलंद किया था, खुद विधायक रहा, जबकि मेरी पत्नी तरन्नुम अकल संबल शहर से नगर पालिका चेयरमैन रही। बसपा ने मुझे निकालकर सच्चे सिपाही को निकाला है। वहीं पत्नी तरन्नुम अकील ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जिस तरह से सर आज बीएसपी ने निष्कासित किया है, क्या वजह रही है और क्या कहना है सर? मेरा कुछ नहीं कहना है। बीएसपी ने अपने आप को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है, ये आपको महसूस हो जाएगा, चूँकि बीएसपी ने ये मैसेज कन्वे कर दिया कि 29 साल की वफादारी से काम करने का भी कोई सिला नहीं होता है। तो जो इससे कार्यकर्ता है पूरे प्रदेश लेवल के, वो सभी डिस्करेज होंगे, और जब डिस्करेज होंगे कार्यकर्ता हटेगा तो पार्टी का जाहिर क्या नुकसान होता है, कार्यकर्ताओं के दम से पार्टी चलती है। तो जो कुछ भी फैसला मेरे लिए पार्टी नेतृत्व ने किया है मैं उसका शुक्रिया आभार। सर दलित और अल्पसंख्यक दोनों एक चेहरा एक समान था आपका, इस बीच 2021 का चुनाव आने वाला है जी, क्या वजह रही जिस तरह से वहाँ टिकट की गोलीबाजी लगती है, क्या उस बीच आपको पीसा गया या क्या एक्शन लिया? मैं देखिए आपको सब कुछ को मालूम है, सर्वविदित है कि वहाँ जो कुछ भी होता है, मेरी कोई भी टिप्पणी करना मैं अपने आप को उचित नहीं समझता। मैंने बड़ा सम्मान किया है आदरणीय मायावती जी का, और अब मेरी रुख्सती वहाँ से हुई है, और मैं पार्टी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि पार्टी को का बट्टा धार करने में कुछ लोगों ने पार्टी हाईजैक कर ली। सारी सच्चाइयाँ सारे फैक्ट्स जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो बताते नहीं। लाल रंग का चश्मा लगाया तो लाल दिखने लगा, हरा लगाया तो हरा दिखने लगा। पार्टी को ख़त्म करने की ओर ले जा रहे हैं, पूरी तरह हाईजैक कर लिया। न दलित का सम्मान, न मुस्लिम का सम्मान, किसी का सम्मान बचा नहीं। जब नहीं बचा किसी बात पे बोलना नहीं। बहन जी ज़्यादातर अब पिछले 2-4 साल से ट्विटर पे काम कर रही हैं, ट्विटर से राजनीति कर रही हैं, फील्ड में आती नहीं जाती नहीं। जब फील्ड में आती जाती थी और हमने बहुत अपार, आपने तो देखा मुरादाबाद मंडल में कितनी मेहनत की, तो उस समय पार्टी का लगातार जनाधार बढ़ा, अब लगातार जनाधार नीचे जा रहा है। ये रिजल्ट 2022 का बताएगा, इकाई में रिजल्ट आ जाएगा, इस बार 10 सीटें भी शायद पार ना हो पाए। सर आने वाले चुनाव में 2000 किसका परचम ले जाएंगे आप, क्या कोशिश? मैं अभी ये नहीं कह सकता क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ा कैडर, बहुत बड़ा सर्किल जुड़ा है। 29-30 साल जब एक पार्टी में काम किया है तो बहुत भारी तादाद में दलित, भारी तादाद में मुसलमान, और दलित और मुसलमान के साथ साथ कोई जाति ऐसी नहीं है, चाहे जाट हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, पाल हो, प्रजापति हो, सैनी हो, यादव हो, कश्यप हो, कि जो मुझसे जुड़ा नहीं हो। चूँकि मैं ऐसी सीट पर भी चुनाव जीता जहाँ कभी भी बहुजन समाज पार्टी का या कोई भी मुसलमान आज तक नहीं जीता आज़ादी से लेकर आज तक। अकीलुर रहमान एक बार जीता, दोबारा जीता, और इन परिस्थितियों में जीता कि 80-90% मुस्लिम वोट लेकर के जीता। तो मुझसे हर धर्म और जात, हर बिरादरी जुड़ी है, तो उन सब का सम्मान करते हुए उनसे राय और मशवरा लेके मैं ऐसा कोई फैसला लूँगा जिससे कि प्रदेश हित में हो और उस